अरे ये स्टेट यही था साड़ी दीवाने की लेट है माँ वीडियो मैंने ऐसे देखो गाइस गुड मॉर्निंग एंड कैसे हैं आप सब लोग। कल रात को जोरदार बारिश हुई है। इतने दिन जो बादल हो रहा था ना खाली खाली वो मतलब कल फुल एंड रात भर से लाइट नहीं, अभी सुबह लाइट आया है। एंड क्या रात भर बारिश हुई है क्या? सुबह अभी आधा घंटे के लिए धूप निकला फिर वही बादल। ये बारिश कब पीछा छोड़ेगी? यहाँ पर देखो इतनी सारी सब्जियां लेकर आए हैं, दो दिन बाद मार्केट एकदम की क्लास ली मैंने उनके से। तो देवू चले गए हितिका पढ़ने बैठे हैं। अभी टाइम बताऊं आपको 11:30 हो रहा है, उनका ये टाइम है जाने का। शॉप आते हैं कभी 9 बजे 10 बजे 9:30 बजे फिर जाते हैं। तो चलिए ठीक है जो भी। तो अभी मैं बनाऊंगी खाना, 11:30 बज रहा है, मन नहीं करता, पहले से बना लो तो ठीक है। दाल बनाऊंगी, बैंगन तलूंगी, इतनी सारी सब्जी लेकर आए हैं। एंड परसों मार्केट है, दो दिन बाद क्या जरूरत है। 5 पत्ता गोभी 5 बार मतलब क्या बोलूं मैं उनको। और बैंगन तो देखा ही आपने, 2-3 किलो भर के है। मस्त चिल्लाई हूँ मैं वाह हो रहा है, नहीं अच्छा लगता ना। पत्ता गोभी भी एक बार खाओगे ना हफ्ते में तो ठीक है, और 5 लेकर आए हैं तो 2-4 दिन छोड़ के तो बनाना ही पड़ेगा मुझे। चाउमीन वगैरह में भी इतना सा डालती हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डालती हूँ मैं। तो चलिए अभी जाती हूँ कुकिंग करना है। तो मैं गई थी 11:30 बजे कुकिंग करने, अभी 12:15 हो रहा है। मुझे इतना टाइम क्या लगा, सिर्फ दाल बनाई है मैंने एंड बैंगन फ्राई किए हैं एंड कपड़े धो के सुखाए हैं बस इतने में। बाकी मुझे अभी रेस्ट चाहिए, कंटिन्यू इतनी देर तक मैं काम नहीं कर पाता। और ये रहे कल के आधे कपड़े, ये सूखे हैं, इनको फोल्ड करना है, फिर रोटी बनाना है। आज मैंने बनाई है मिक्स वेज दाल, इसमें है मूली, गाजर, पत्ता गोभी, मटर, टमाटर एंड दाल तो रहेगी, बोले देखते हैं खाने में कैसी लगती है, पहली बार बनाई है मैंने। तो वैसे मैं सोच में पड़ गई थी दाल कैसी लगेगी बोल के, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे हैं। हितिका को भी पसंद आई, हितिका बोली थी मूली डालोगे तो मैं दाल नहीं खाऊंगी बोल के। दाल तो अच्छी लग रही है ना, हम लोग ऐसे ही खा रहे हैं, मतलब दाल एकदम खिचड़ी टाइप बनी है ना, चावल नहीं है इसमें, बाकी मस्त लग रहा है खाने में। फोन गिर गया था मेरे हाथ से गलती से, इसीलिए मैडम उसका फोन गिरा था इसीलिए। तो हितिका क्यों रो रही थी वो हितिका ही बताएगी, क्यों रो रहे थे बताओ? मम्मी मेरा फोन गिरा दी। फोन गिरने से कोई ऐसे रोता है लाइक सीरियसली? गाइस ये देखिए उसका काम, कहाँ है मंकू, ये रहा, कहाँ है मंकू, कहाँ है मंकू। लाइट भी नहीं है, लाइट तो बहुत कट रहा है, कट ही रहा है। उसके साथ इन्वर्टर की भी बैंड बुझ गई है, इन्वर्टर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। कल शाम को अराउंड 7 बजे लाइट गोल हुआ एंड इधर 10-10:30 बजे तक इन्वर्टर टी 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 इतना बजा है, उसके बाद खुद ही बंद हो गया। अब अभी तो नहीं बदलना है बोलिए, अब गर्मी में देखा जाएगा उसको। देखती हूँ कितने देर करते हैं। तो मैं दुकान नहीं जाऊंगा, देखता हूँ कितने समय हाथ वैसे रहता है। नहीं था, मेरे 2 मिनट बाकी है, डन है मेरा, हो गया। इतने समय थोड़ी ना हाथ ऊंचा करके रख सकोगे, अनेक समय दौड़ लगे मटको एक छू गई कैसे देखा जाएगा। डन, एक चीज से छुटकारा मिला, तो चलिए अब चलते हैं। गुस्सा थी ना इसलिए आके साथ में थोड़ा सा घूम लिए, 2 मिनट भी, 2 मिनट से ज्यादा ज्यादा तो ना, 2 मिनट से कम। चलिए देखते क्या कर रहे हैं।
हे फ्रेंड्स, तो शाम के ठीक 5 बज रहे हैं एंड टी टाइम, तो चाय पिया जाए। एंड एक गुड न्यूज है, मेरा जो टारगेट था 1K सब्सक्राइबर एंड 4000 आवर, जो मतलब हर किसी का होता है वॉच टाइम, वो कंप्लीट हो गया है। तो अभी मैं उसी के लिए अप्लाई करूंगी मोनेटाइजेशन के लिए। तो मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, मतलब सेकंड स्टेप को अप्लाई कर दिया है, जो गूगल एडसेंस वगैरह अकाउंट बनाना रहता है ना वो। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है, आज की डेट में हो जाता है वेरिफिकेशन या कल, मतलब टाइम लेता है, कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो हो जाए फिर देखते हैं।